चलो बाय बाय, चलो। भाई भाई इसको क्या करोगे, फ्राई करके खाओगे? फ्राई करके दो मच्छी को? क्या खतरनाक बात है, क्या खतरनाक बात है। तो रोड पे मिट्टी भी आ गई है। हम लोग नीचे से आए और ये चेक करो क्या प्यारा लग रहा है क्या। अभी हम लोग हाईवे पे रुके हैं और देख रहे हैं कि हरिश्चंद्र पहुंचे पहले या फिर नेकलेस वाटरफॉल। हाय, तो मेरा नाम है कैंट पटेल और आप देखें मेरा न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं राइड पे, 4 दिन की राइड, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ जुड़े रहे हमारे साथ, और मैं और जैनिल जा रहे हैं और एक राइडर है जो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आज नहीं, एक दो दिन के बाद जुड़ेंगे। तो चलो, अभी मैं सब बाइक वाइक सब रेडी कर दिया है, अभी थोड़ा बहुत जो हमें बैग वैग वो रस्सी से बांधना है वही देखना है। ये रहा हमारा बाइक पे सामान वामान सब रेडी है, सब सेट कर दिया हम लोगों ने, और चलो बाय बाय। चलो आ जाओ, चलो बाय बाय, चलो। तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आ गए अभी सुरखाई पहुँचने वाले हैं। जो भी रानकुआ में काम था हमारा वो सब ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके पीयूसी निकालनी थी, हवा चेक करना था, और एक काम रह गया है फ्यूल अप करने का। तो अभी फ्यूल अप करते हैं, और जैनल भी एकदम मस्त देख सकते हैं आप, और एकदम फुल ऑन जोश में। आज मैं ही बाइक चला रहा हूँ, एक ही बाइक है हमारे साथ, हमारे साथ क्या हमारी एक ही बाइक है, तो मैं अपने हिसाब से चला सकता हूँ, क्योंकि कोई और हमारे साथ राइडर होता है ना तो थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि वो कैसे चला रहे वो सब ध्यान रखना पड़ता है। तो आज ऐसा नहीं है, फटफट फटफट निकलेंगे ही हम लोग। तो सुरखा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, यहाँ से फ्यूल अप करवाते हैं। ग्यारह सौ पचास का फ्यूल अप किया हम लोगों ने, सब काम खत्म, धन 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 अभी निकलना ही है, तो फटाफट से निकलते हैं। साबूतारा हम लोग नाइट होल्ड करेंगे, बाद में हम लोग सुबह निकलेंगे वहाँ से नासिक के लिए, नासिक से आगे ही जाना है हमें, और अभी टूटी फूटी रोड भी मिलने वाली है, तो वो भी देख देख के चलाना पड़ेगा हम लोग को। अभी कुछ नए नए देखेंगे तो रास्ते में रुकेंगे, लेकिन ये वास्दा तक तो कुछ रुकने का प्लान नहीं है। The next day. Hi, तो मेरा नाम है कैंट पटेल, आप देखें मेरा न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग साबूतारा और ये दूसरा दिन है। कल तो हमारे साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाइक भी रेडी है, क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ, चलो। तो अभी हम लोग है साबूतारा में, और वेदर चेक करो, हल्की हल्की बारिश है, अभी जो फॉग है वो नहीं है, है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अभी ये चेक करो हमारी बाइक, ये जो है ये सिग्नल लाइट टूट गई, क्योंकि यहाँ पे लगेज बांधा था हम लोगों ने, वो सीधा इधर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतना ज़्यादा है नहीं। और बाइक की हालत, हमारी हालत खतरनाक है। अभी फटाफट से हम लोग पैकिंग वैकिंग सब कर लिया, तो निकलते फटाफट से। और ये चेक, ये देखो हमारी पैकिंग चल ही रही है, एक ये बैग है और ये दूसरा रेडी करके रखा है हम लोगों ने, और ये देखो ये बच्चे लोगों ने, ये क्या है, मच्छी, कौन सी है? आप लोग स्कूल में जा रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छठी क्लास में, चलो तो बाय बाय। इसको क्या करोगे, फ्राई करके खाओगे? फ्राई करके दो मच्छी को? अच्छा ठीक है। अभी हम लोग है साबूतारा सर्कल, मेन सर्कल है, वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। साबूतारा मॉनसून फेस्टिवल चालू है, हम लोग यहाँ से आए थे और हमें जाना है नासिक, क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, तो
मस्त फॉगी फॉगी वेदर है, तो साबुतारा घूमने में भी मज़ा आता है। और कुत्ते देखो पीछे पड़ रहे हुए हैं। और ये रहा साबुतारा का लेक राइट साइड पे। तो महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं और हमारे सामने हथगढ़, जो कि इसका भी व्लॉग हमने बनाया था। और देखो क्या प्यारा व्यू है, क्या मस्त लग रहा है। और ये छोटा सा प्यारा झरना, ये हथगढ़ भाई, हथगढ़ की बात ही अलग है। मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आज इसको बाय बाय कहते हो, हम लोग निकल रहे हैं नासिक के लिए, जो कि हमें बहुत दूर जाना है। फ्रेम चेक करो आप, क्या मस्त लग रही है, क्या मस्त लग रही है भाई। आज हमको फील है कि हम लोग कहीं पे निकल रहे हैं। मैं तो कल इतना बोर हो गए थे कि क्या बताऊं। थैंक यू लॉर्ड कि ये राइड मुझे करने के लिए आपने दी। कितने लोगों की ख्वाहिश होती है कि ऐसी छोटी मोटी राइड करें। कि कल क्या हुआ था, बहुत थक गए थे हम लोगों ने। 20-25 बार जो हमारा लगेज था वो बांधा था, 20-25 बार। अरे ये देखो, ये है ग्रेप्स के बगीचे। और यहाँ से भी नासिक जा सकते हैं और पीपल गांव से भी जा सकते हैं, तो हम लोग पीपल गांव से जाएंगे। ये जो भाई है उनको पूछा हम लोगों ने, और जेनिन को लगी है भूख, तो ये चालू बाइक पे खाएगा सिंग दाना। मेरे को भी खिलाना एक दो। हाँ खिलाएगा? नहीं खिलाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी बाइक पे नहीं बिठाऊंगा इसको। चल निकल इधर से, चल निकल। ये देखो रस्सी से वो भी भाई, बहुत जुगाड़ू है हम लोग। ये देखो ऐसा कुछ है सेटअप, और आपको इतना ही दिखेगा। नासिक हमें जाना है लेफ्ट। ये रहा हाईवे, नासिक के लिए हमने लिया है लेफ्ट, और ये रहा हाईवे। और अब और मजा आएगा बाइक चलाने का। यहाँ से नासिक है 27 किलोमीटर। रोड काफ़ी मस्त है, धूप भी निकल आई है, बारिश का भी कोई टेंशन नहीं है, तो फटाफट भगाते हैं, पहुँचते हैं नासिक। अभी हम लोग हाईवे पे रुक देख रहे हैं कि हरिश्चंद्र पहुँचे पहले या फिर नेकलेस वाटरफॉल, क्योंकि दो लोकेशन हम लोगों ने डिसाइड की थी। ये रही हमारी ऐसी बाइक, सारा लगेज आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है और आपको बताता हूँ मैं। ये नासिक का शायद सबसे बड़ा होगा ब्रिज भी। एक साइड का रोड का काम चालू है, तो सिंगल हाईवे पे चला रहे, जो कि राइट साइड वाला जो रूट है वो बंद किया है। क्या प्यारा व्यू है। पिक्चर अभी शुरू हुई है और बारिश भी बहुत मस्त है व्यू। फिर हम लोग इगतपुरी पहुंचने वाले हैं। अभी हाईवे अच्छा मिला है तो भगा रहा हूँ। मस्त भी एक्सीडेंट हुआ ऐसा लग रहा है, सेफ हो तो अच्छी बात है। सामने देखो क्या प्यारा व्यू। और भाई अब लग रहा है कि हम कहीं पे आए हैं, क्या मस्त मस्त नज़ारे। फिर से टूटी फूटी रोड मिलना शुरू। व्यू चेक करो अब, क्या मस्त लग रहा है। वाव, लेक है या ऐसा कुछ है, बहुत प्यारा है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो वैसे भी हम लोगों ने रेन कवर्स पहने ही है, तो इतने ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। सुबह से पहने ही है जब से राइड कर रहे हैं। काफ़ी किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया है। 15-20 किलोमीटर में वेदर चेंज हो रहा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, आगे 15-20 किलोमीटर पहले धूप थी, वेदर भी ठंडा ठंडा हो चुका है। फ्यूल अप करवाते हैं अच्छा सा पेट्रोल पंप देख के। और भाई ये कार का कुछ हुआ है, ये देखो निकला हुआ है। यहाँ की लोकेशन कुछ नई। ओ वाव, क्या मस्त लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारा व्यू। यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट, और इगतपुरी आगे है शायद 5-7 किलोमीटर ही होगा, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं। हम आ गए नई लोकेशन पे,
हम लोग निकल चुके हैं नेकलेस वाटरफॉल और हरिश्चंद्र फोर्ट के लिए। सामने का व्यू चेक करो आप, कुछ आज नया देखने को मिला और भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बहुत सारे नई नई लोकेशन दिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। ऐसा कुछ तो होते रहता है। हमारे पास फ्यूल नहीं है तो पहले पूछ लेते हैं भाई से। भाई यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप मिलेगा? आगे, एक किलोमीटर आगे। एक कौन सा है? भारत। भारत पेट्रोल पंप, ओके थैंक यू भाई। तो ये भाई ने बताया है 1 किलोमीटर में मिलेगा भारत। हम लोग आ गए हैं ये माउंटेन के पीछे और क्या प्यारा व्यू है, और वो छोटा सा वाटरफॉल शायद गोबरू में नहीं दिख रहा होगा। बहुत सारे वाटरफॉल है, 1, 2, 3, 4, 5 छोटे छोटे 6, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। जो मैं आपको दिखा रहा था ना उसके सामने खड़े हैं हम लोग। ये चेक करो कितना बड़ा है माउंटेन। यहाँ पे बाइक खड़ी है, जेनिल है और मैं। भाई क्या प्यारा व्यू है, ये देखो यहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा कर रहे हैं हम लोग। फटाफट से फिर से बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं, और भी आगे बहुत प्यारे प्यारे व्यू आएंगे, से कुछ नया नया देखने को मिलेगा तो मैं भी देखूंगा, आप लोग को भी दिखाऊंगा। तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते ही बारिश शुरू हो गई और हमारा जो लगेज था वो एकदम सेट कर लिया है। फटफट निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेना है राइट। अभी यहाँ पे लेकिन बारिश ज़्यादा हो रही है तो मैं गोबरू निकालूंगा। अभी बारिश रुक गए तो बहुत प्यारे व्यू आ रहे हैं। बारिश आ रही है जा रही है तो ऐसा वेदर अच्छा लग रहा है। ओ हो, मैं आपको दिखाता हूँ कितने प्यारे प्यारे वाटरफॉल, वो चेक करो। पूरा ग्रीनरी और रोड पे सिर्फ हम लोग। बाइक चलाने का मजा, नेचर का मजा और ऐसे खूबसूरत व्यू। क्या मस्त लग रहा है, ये देखो क्या प्यारा लग रहा है। और इसके सामने ये प्यारा गांव पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, और ये देखो हमारा जैनिल भाई जो कि फोटो खींच रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है।